विदर्भ के पंढरपुर माने जाने वाले सांदे थाना क्षेत्र के श्री क्षेत्र धापेपाड़ा में विठल रुक्मिणी मंदिर के सामने बहने वाली चंद्रभागा नदी में हाथ पैर धोने गए एक युवक के डूबने से मौत होने की घटना उजागर हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री क्षेत्र धापेवाड़ा में चल रही यात्रा के दौरान गांव के युवा अपनी क्षमता के अनुसार निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसी तरह धापेवाड़ा निवासी 43 वर्षीय सोनबा बलिराम नर 23 जुलाई की सुबह मंदिर में सेवा करने के लिए निकले और हाथ पैर धोने के लिए नदी पर गए, तभी किनारे के फसल में उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबता चला गया। जैसे ही नदी तट पर मौजूद श्रद्धालुओं और सुरक्षा कैमरों को घटना की जानकारी मिली, यात्रा व्यवस्था के लिए मौजूद सावनेर और कलमेश्वर पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी और मंदिर प्रबंधन आदि मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी, लेकिन 23 जुलाई की शाम तक शव नहीं मिलने पर खोजबीन का काम रोक दिया गया और 24 जुलाई की सुबह स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोबारा खोजबीन का काम शुरू किया गया। तब करीब 8:30 के लगभग मृतक सोनबा का शव बरामद कर घटनास्थल पंचनामा कर शव विच्छेदन हेतु ही ज्योति फाउंडेशन के हितेश बंसोड़ के एम्बुलेंस द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर भेजा गया। स्थानिकों की माने तो मृतक सोनबा माले एक मिलनसार युवक होकर हर सामाजिक कार्य में अपनी निस्वार्थ सेवा देने में पहल करता था तथा परिवार का एकमात्र कमाने वाला था और अपने पीछे बूढ़ी माँ, विकलांग बहन, पत्नी और 2 छोटे बच्चों और उसके परिवार को छोड़ गया है, जिससे माली परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कलमेश्वर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पुलिस उप विभाग के अधिकारी अनिल मस्के के मार्गदर्शन में करी है। इन संदेश के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।